खरगोन जिले की बरोल पंचायत में हो रहे निर्माण कार्य पर खुद पंचायत के पंचों ने सवाल खड़े किए हैं। जनपद सीईओ सहित कलेक्टर को शिकायत आवेदन सौंपकर पंचायत द्वारा कराए जा रहे कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग भी की है। पंचों ने मई दस्तावेज की शिकायत में आरोप लगाया कि सरपंच सचिव पर मनमानी करते हुए विकास कार्यों और निर्माण कार्यों के नाम पर फर्जी तरीके से मूल्यांकन कराकर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। शिकायती आवेदन में उप सरपंच राकेश कुमरावत, पंच गोपाल भावसार, पंच ललिता कुमरावत, पंच ममता दवाने, ज्योति कुशवा आदि पंचों ने बताया कि पंचायत में 15वां वित्त एवं 5वां वित्त मद में लाखों रुपए की राशि का आहरण किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यहां तक कि बिलों को बिना तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति बगैर मूल्यांकन के पास करते हुए अपने चहेते लोगों के खाते में राशि का अंतरण कर दिया गया है। पंचों ने जिन लोगों के खाते में विकास कार्यों की राशि डाली गई उनसे पूछताछ की मांग की है। इसके अलावा जलकर, भवन कर, बाजार ठेका राशि में भी बंदर बाट के आरोप लगाए हैं। चार बिंदुओं के सौंपे शिकायती आवेदन में शासकीय राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। शिकायत सर, हम ग्राम पंचायत टांडा बरूड के लेके आए। इसमें सरपंच सचिव दोनों मनमानी से राशि निकाल रहे हैं, 15 युक्ता से, 5 युक्ता से, और बिना शासन स्वीकृत, मतलब बिना स्वीकृत से ही, मतलब पैसे राशि निकाली जा रही है ना, उसके मालूम पड़ा कि राशि ये राशि सर अब जैसे निकालते हैं तो सब मोबाइलों पे तब आ रही है ना सर, मोबाइलों पे दिख ही जाता है। क्या मांग करते हैं आप? तो सर हम तो ये मांग कर रहे हैं कि इसकी सही जांच हो, और मतलब पंचायत द्वारा बहुत सहले, मतलब कि फर्जी पैसे निकाले जा रहे हैं, 14 उत्तर, 15 और 5वां उत्तर से राशि निकाली जा रही है, बिना टीएस करे बिल के पेमेंट दिया जा रहा है, निकाले जा रहे सरपंच सचिव दोनों द्वारा। तो पंचों से कोई 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 मतलब हाँ पंचों से कोई कोई मीटिंग लेते नहीं, कहीं होती है और राशि निकाली जाती है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए और राशि से वसूली की जाए इनके सरपंच मंत्री से और इनको हटाया जाए पद से। साफ सभी में भी पैसा निकाला जा रहा है, कोई टीएस के कोई मूल्यांकन के भुगतान के अनुसार बिल नहीं निकाला जा रहा, पेमेंट नहीं निकाला जा रहा है एसबीएम द्वारा, स्वच्छ भारत के द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील शेख है। ग्राम पंचायत बरूड से हम आए हैं, बिना कार्रवाई के कोई भी काम होता नहीं, और हमारी पंचायत में हर महीने की ग्राम सभा भी नहीं होती और मासिक बैठक भी नहीं होती। तो ऐसा जब कोई सरपंच को इंटरेस्ट नहीं था पंचायत में, तो पंचायत में आने का काम ही क्या है उनका, है ना? और कोई पंचों से कोई लगाव, कोई स्वीकृति, कोई मतलब कोई बातचीत करना, कोई कहीं भी दान देना हो, कुछ भी काम करवाना हो, तो पंचों को कभी वो पूछती नहीं है और पूछना चाहते भी नहीं है, और उसको पंचों से कोई मतलब है ही नहीं। राशि निकालने का आरोप भी लगा रहे हैं। हाँ। तो सर ये बात तो सही है ना, ये आरोप है क्या? ये तो सही है कि निकल रही है राशि, और ना तो हमारे गांव में कोई काम हो रहा है और ना कोई स्वच्छता चल रही है। अभी स्वच्छता में भी 2 लाख रुपए किसी के खाते में डाले हैं। हाँ सर डाले हैं। तो वो स्वच्छता कर्मी खाते में नहीं डाले हैं और किसी ठेकेदार के खाते में डाले हैं। तो सर ठेकेदार के खाते में डाले हैं तो बिल वाउचर बताना चाहिए ना, इसकी जांच की जाए सर, इसकी पूरी कार्रवाई हो और नियम कानून के अधिकार से पूरी जांच करनी चाहिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत का पैसा पूरी पंचायत में लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनीता आर से, ग्राम बरूड। आप कौन है? ग्राम पंचायत पंच हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।